रविवार को ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के तत्वाधान में इंसेफ्लाइटिस कंट्रोल के लिए गोलघर स्थित एक निजी अस्पताल में चैलेंज और सॉल्यूशन कार्यशाला का आयोजन डॉक्टर सुरहिता करीम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के जरिए कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बुद्धिजीवी वर्ग को देश की राजनीति से जोड़कर उनकी दक्षता, निपुणता और ज्ञान का लाभ देश की तरक्की की ओर आकर्षित करना चाहती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में स्वच्छता और स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर चुके हैं। तकरीबन 4 दशकों से गोरखपुर में जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्टिवेट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम की चपेट में है। आंकड़ों के अनुसार सैकड़ों लोग, खासकर बच्चे, हर साल इस बीमारी का शिकार होकर जान गंवाते हैं, जो अस्पताल तक पहुँच ही नहीं पाते। और जो मरीज किसी प्रकार से बच भी जाते हैं, उनमें से एक बड़ी संख्या किसी अस्थायी क्षमता का शिकार हो जाती है। टीकाकरण का अभियान चलाए जाने के बावजूद कई राज्यों को लाभ हुआ है, लेकिन उस पर पूर्णतः अंकुश नहीं लग पाया है। कार्यशाला में जेई और एईएस पर चर्चा हुई। इस अवसर पर डॉक्टर सुरहिता करीम, डॉक्टर विजाहत करीम, डॉक्टर कफील, डॉक्टर अध्यक्ष ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस नुसरत अब्बासी, अधिवक्ता केपी गुप्ता सहित अनिल, डॉक्टर और समाज सेवी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर सुरहिता करीम ने कहा, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी तो हमारे पॉलिटिकल क्लास का एक रुतबा होता था, एक मियार होता था। बहुत अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल इससे जुड़े रहते थे और वही इसका एक थिंक टैंक होते थे। हमारे पूरे देश में क्या होना है, कैसे होना है, किस तरह से राजनीति होनी है या समाज में क्या चेंजेस लाने हैं, कैसे लाने हैं, ये उसका एक थिंक टैंक हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये थिंक टैंक एक तरह से डिसिल्यूजन हो गया और डिसिल्यूजन होने के बाद धीरे धीरे कटता गया और हमारी राजनीति का रूप ही एकदम बदल गया। जो आज हम राजनीति देख रहे हैं, हम मेरे ख्याल से हमने से बैठा हुआ कोई भी वैसी राजनीति अपने मुल्क में नहीं देखना चाहता। उसमें वो बहुत बड़ा बदलाव चाहता है, बहुत बड़ा चेंज चाहता है। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ जैसे लोग जो कि राजनीति से जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो इस राजनीति से नहीं जुड़ना चाहते, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। और अपने थॉट्स के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से उस शहर में वो स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आईसीसी गोरखपुर चैप्टर के पहले इस प्रोग्राम में सब लोगों ने शिरकत की। अपने बिजी टाइम संडे के दिन समय निकाल के आप लोग आए, कई लोग रोजा भी हैं, उसमें वक्त के कारण 10 बजे आना था, लेकिन किसी कारण 11:30 बजे आए। आप हम लोग इस परिचर्चा को आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि जैसा दुष्मत ने इंट्रोड्यूस किया है, शायद दुष्मत आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, आप नुसरत अब्बासी हैं जो एक्चुअली ब्रेन है इस पूरे AIPC को गोरखपुर में लाने के लिए। इस प्लेटफॉर्म में अलग अलग टाइप से डिस्कशंस करेंगे, अलग अलग जो हमारे मुद्दे ऐसे हैं, कुछ नेशनल मुद्दे हैं, कुछ हमारे शहर के मुद्दे हैं। और एज वी ऑल नो, इसीलिए हम लोगों ने एंसेफ्लाइटिस को चूज किया है, बिकॉज एंसेफ्लाइटिस से अब गोरखपुर की एक भीषण पहचान हो गई है। कहना चाहिए भीषण शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि थोड़े नेगेटिव रूप में अब एंसेफ्लाइटिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हमें ये नहीं कहना पड़ता है गोरखपुर है तो गोरखपुर कहाँ है। अच्छा, गोरखपुर वही शहर है जहाँ पे इतने सारे बच्चों की मौत हर साल होती है, और स्पेशली लास्ट ईयर की इंसिडेंट्स के बाद जब इतना तहलका प्रेस और मीडिया में मचा, तब से एक तरह से कहते हैं ना, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो मैं ये समझती हूँ कि जैसे एक बॉइलिंग पॉइंट आ गया था इंसेफ्लाइटिस। हम लोग जब से मेडिकल कॉलेज में मैं खुद पढ़ रही हूँ, तब से ये नौकी बीमारी के नाम से जाना जाता था। इसको नौकी बीमारी कहते थे, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में काम किए हैं, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और रिसर्च स्कॉलर भी हैं। इन्होंने इंसेफ्लाइटिस को बहुत टेस्ट होने के नाते एक एनवायरमेंटल एनवायरमेंट के प्रति सचेत वेक्शन रहा है, कैसे कैसे उसकी डेमोग्राफी चेंज हुई है, उसके बारे में इनको बहुत जानकारी है। एंड कई सालों से जहाँ तक हम मनोज को जानते हैं, आपने इंसेफ्लाइटिस को बहुत क्लोजली स्टडी किया है। और आप सडन स्पर्ट ऑफ डेथ और इज इट अ ग्रेजुअल स्पर्ट, जो कि हम लोगों की अवेयरनेस की कमी की वजह से ये बीमारी बढ़ रही है, या नकारात्मक पहचान जैसा गोरखपुर जुड़ गया है,
आप देखिए अभी पूरे देश में मानसून की प्रतीक्षा की जाती है, लोग खुद बोलते हैं कि मानसून आने वाला है, लेकिन अपने इलाके में मानसून आने का मतलब कि बच्चों की मौत शुरू हो गई है। तो हम लोग के लिए मानसून खुशी की बात नहीं है, बल्कि एक अपार शोक की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो गई है। और अगर हम कहें कि इंसेफ्लाइटिस एक पूर्वांचल का शोक है, तारोवा पूर्वांचल, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको सबसे पहले कि हम लोग ये देखना चाहिए कि आक्रोश आंकड़े क्या करते हैं। आज ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री का बयान छपा है सिद्धार्थनाथ सिंह का, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंसेफ्लाइटिस से जो मृत्यु दर है उसमें कमी आई है, और इंसेफ्लाइटिस का एक और कारण है जो स्ट्रेप टाइफस, उसमें भी कमी आ गई है। लेकिन कल ही एक अखबार में था कि इंसेफ्लाइटिस का एक कारक है स्ट्रेप टाइफस, वो काफ़ी बढ़ गया है। इसके पहले भी पिछले साल भी अपने मंत्रियों के बयान सुने थे, उसमें भी कहा गया था कि कम हो रहा है। आप हर साल जून जुलाई में मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के बयान सुनिए, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, तो वो कहते रहे हैं कि दो बातें वो कहते रहे हैं कि कम हो गया, कम होता जा रहा है, और इसके जो इसके खत्म करने की जो प्रयास है उसमें पैसे की कोई कमी नहीं है। ये दो डायलॉग आप सबसे सुनते रहे, लेकिन आंकड़े गवाही देते हैं कि ये दोनों बातें गलत साबित हुई हैं, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। अभी मैं इस साल के आंकड़े आपको बताऊं, और करीब करीब 9,500 लोगों की मौत हुई, जिसमें 80 से 90% जो है वो बच्चे हैं। यानी कि अगर इसको आप देखें तुलनात्मक रूप में, तो पूरे देश में जितने इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती हैं, जितने केस होते हैं, उसमें से 70% से ज़्यादा उत्तर प्रदेश, 70 से 80% उत्तर प्रदेश में है, और उसमें भी सिर्फ ये 7-8 जिले जो है हमारे यहाँ पूर्वांचल के, वो केसेज हैं। यानी कि पूरे देश में सघन रूप से बहुत डेंस रूप में सबसे ज़्यादा जो इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती हैं, वो गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, आजमगढ़, कलिया, और कुछ जो बिहार के 4-5 जिले हैं जो पश्चिमी बिहार के, जिसमें गोपालगंज आता है, सिवान आता है, पश्चिम चंपारण है, सारण है, छपरा है, इन जिलों के लोग हैं। तो यानी कि अगर सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है तो यही आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार। आंकड़े ये बताते हैं कि इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में इसकी मौतें होती रही हैं। और 1978 में जो जब बीआईडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत हुई, तब ये पता चला कि ये जापानी इंसेफ्लाइटिस का है केस है, और जापानी इंसेफ्लाइटिस अपने देश में 1952 में ही इसकी जानकारी हो गई थी। ये बीमारी सबसे पहले जापान में आई थी, और जापान में करीब करीब 1900 के आसपास, लेकिन अक्सर आप करेंगे कि आज जापान में बीमारी बहुत कम है, चीन में बहुत कम है, और दक्षिण एशिया के जो भी देश हैं, श्रीलंका है, ताइवान है, थाईलैंड है, वहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी हद तक इसको काबू कर लिया है, और बहुत कम केसेज आते हैं, और कम आते हैं तो उसमें मौतें भी काफ़ी कम होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ 1978 से लेके और अब तक न सिर्फ केसेज कम हो पाए, बल्कि मौतें भी बढ़ती गई हैं उसके अनुरूप। और हमारे पास मेडिकल कॉलेज में मरने के लिए बच्चे पहुंचते हैं, इसीलिए इसकी गड़बड़ी हो रही है, और उस पर थोड़ा सबको ध्यान करने की कोशिश हो रही है। देखिए पहले जापानी इंसेफ्लाइटिस था 1978 से लेके, और जब 2005 में 1500 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई और बहुत हंगामा हुआ पूरे देश में, उसके बाद उस समय यूके की गवर्नमेंट थी, और उस समय जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो रामदास, वो मेडिकल कॉलेज आए, और यहाँ के डॉक्टर जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, तो शुरू से ही वहाँ पे चाहे वाईडी सिंह रहे हों, चाहे के पी कुशवाहा रहे हों, चाहे राठी रहे हों, इन सभी लोग बहुत पहले से मांग करते रहे थे सरकार से कि जापानी इंसेफ्लाइटिस को रोकना है तो इम्यूनाइजेशन करिए, और चीन में और दूसरे देशों में इम्यूनाइजेशन से काफ़ी अच्छे तरीके से रोका जा सका है। तब वो 2005 में ये फैसला उस समय की सरकार ने लिया कि हम चीन से टीके आयात करेंगे, और आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ 20 रुपये का टीका होता है एक डोज का,
ये सरकारें उस समय तक डिसीजन लेने में उन्होंने बहुत लेट की। अगर वो पहले इमेजिनेशन होता तो हम हजारों बच्चों की जान बचा सकते थे, लेकिन फिर भी देर से ही सही, लेकिन 2006 में इमेजिनेशन शुरू हुए और उसका परिणाम ये हुआ कि जापानी इंसेफ्लाइटिस के केस काफी कम हुए, जो अब तक लगातार इमेजिनेशन चल रहा है। अब उसको रूटीन इमेजिनेशन में भी शामिल कर लिया गया है और कभी कभी मास कैंपेन पर भी इमेजिनेशन होता है। उसका नतीजा रहा कि जापानी इंसेफ्लाइटिस का केस 10% तक आ गया, कम हो गया। लेकिन 2006 के बाद में जब ये पता चला कि जापानी इंसेफ्लाइटिस के वायरस के अलावा दूसरे वायरस भी यहाँ पे सक्रिय हैं और वो इंसेफ्लाइटिस बीमारी दे रहे हैं, जिसमें काक्सकी अल्टरो वायरस और भी तमाम हैं, और उसके बाद ये तब जो NIV के जो रिसर्च थे और उन्होंने सुझाया कि अगर लोगों के ड्रिंकिंग वाटर पानी साफ पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए और वो सैनिटेशन की तरफ ध्यान दिया जाए, शौचालय का प्रयोग करें और आसपास गंदगी को कम किया जा सके तो इसको भी काफी कम किया जा सकता है, क्योंकि इसका कोई टीकाकरण नहीं है, बचाव ही उपाय है या बीमारी होने पर इलाज हो सकता है। तो उसके बाद केंद्र सरकार ने 2012 में 4,500 करोड़ रुपए का एक पैकेज घोषित किया था और उसमें 6 डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया कि जो इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित पूरे देश के जो 60 जिले हैं वहां पर हम लोगों को ड्रिंकिंग वाटर से ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराएं, वाटर प्रोजेक्ट शुरू किया जाए और वहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए जाए जिससे खुले में शौच ना हो और गाँव की जो सैनिटेशन की स्थिति है उसी की फिटिंग में उसकी जल निगम ने यह बताया कि साहब हमने जो है इतने जो है डीप ट्यूबवेल सर्विस किया है, ये हमारे सैनिटेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं, तो यदि इस सैनिटेशन के प्रोग्राम के संबंध में या कितने डीप वेल स्टैब्लिश हुए यदि कोई डाटा हो तो बताया जाए। और इसके अलावा कि जो उन्होंने बताया था उस कंटेंट में कि हमने क्या काम किया है कि हमने जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो पॉन्ड्स में फीस आते हैं, मछली आती है, मछली खाने से होता है, तमाम जानवरों के वो मांस खाने से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है और मॉस्किटो के संदर्भ में बताया कि तब हमने तमाम वॉकिंग करते हैं। तो क्या गवर्नमेंट ने कौन सी एजेंसी किया जिससे हम उस पर कंट्रोल कर सके, ये हमारा जो मतलब इससे डिस कंट्रोल में गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रोग्राम हुए अभी तक इसका कोई डाटा क्लियर नहीं हुआ। आज ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की तरफ से गोरखपुर चैप्टर ने ये एक एंसेफ्लाइटिस चैलेंजेस एंड कंट्रोल पे एक परिचर्चा यहाँ पे पैनल डिस्कशन एक रखा था और ये पैनल डिस्कशन इसलिए है क्योंकि अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था और पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ हमारा एक भयानक बीमारी जिसने गोरखपुर को पहचान एक गलत पहचान दे दी है, जिसको लेके हम लोग सभी लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, वो है एंसेफ्लाइटिस। और एंसेफ्लाइटिस के ऊपर ये परिचर्चा इसीलिए रखी गई कि आने वाले 15 दिनों में जैसी बरसात शुरू होगी और एंसेफ्लाइटिस से आक्रमित ये बच्चे भर्ती होना शुरू हो जाएंगे तो तुरंत ही मीडिया हम लोगों को घेरेगी और मीडिया ये सवाल बार बार पूछती है कि आखिर इस पे हम लोग काबू क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पूरा देश ये हम लोगों से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या है कि गोरखपुर में हर साल बच्चे इतने क्यों मरते हैं। तो इस बीमारी पे ये परिचर्चा के ज़रिए ये पाया गया कि पूरे संसाधनों की ना पूरा इस्तेमाल करना ही इसका एक पीछे एक वो है कि जो सरकार है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है लेकिन ह्यूमन रिसोर्स नहीं प्रोवाइड कर पा रही है, ट्रेंड डॉक्टर्स का अभाव है, ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ का अभाव है और जिसकी वजह से दो तरीके से ये प्रभावित कर रहा है क्योंकि जब बच्चे भर्ती हो रहे हैं उनको पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, डॉक्टर ओवरवर्कड हैं, डॉक्टर स्ट्रेस्ड हैं और दूसरी बात ये है कि जो गांव-गांव में इन्होंने अब PHC CHC लेवल पे जो सरकार चाह रही है कि खोलना ये क्या नाम है इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना या जो बेड दे रहे हैं ऑक्सीजन दे रहे हैं वो उतना काफ़ी नहीं है इस बीमारी को काबू करने के लिए। तो परिचर्चा के बाद ये निकल के आया है कि जो 60 जिले जो ज़्यादा प्रभावित हैं उनमें स्वच्छ पीने का पानी और टॉयलेट की व्यवस्था पे मूलभूत तरीके से बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि एक दस्तक प्रोग्राम के तहत UP सरकार ने अभी शुरू किया है लेकिन फिर वो ठप हो गया है, उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए और सारे NGOs को इसमें इंक्लूड करके और एक बहुत बृहद तरीके से
अवेयरनेस चलाना, और इसी में AIPC ने ये एक आगे अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली है कि हमारे साथ जो भी बुद्धिजीवी जुड़े हुए हैं उन सबको इसके लिए हम लोगों ने अवेयर किया है, सबको ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। UPA सरकार ने हमेशा इनकेफ्लाइटिस पे एक बहुत अच्छी नीयत से काम किया है, और आने वाले समय में भी हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हमारा बुद्धिजीवी वर्ग इसमें साथ देगा, हमारा बुद्धिजीवी इस चीज़ को समझेगा, तो जो ओपिनियन मेकर्स हैं वो लोग बहुत सारी चीज़ें समाज में बदलाव ला सकते हैं, और इस तरह से हम लोग अगर जनता को अवेयर करेंगे, अपने लास्ट पर्सन जो आखिरी आदमी है, जो सबसे गरीब, सबसे बेरुखा, जिसको जिसके प्रति समाज ने कुछ नहीं किया, उन लोगों को भी अगर हम लोग इसमें लाएंगे ताकि उनके बच्चे वैक्सीनेट हों, उनको स्वच्छ पीने का पानी मिले, तो हम लोग इस बीमारी पे बहुत हद तक काबू कर सकते हैं, और यही हमारा उद्देश्य है।